एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन में आज हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन की एक और प्रॉब्लम पिक करते हैं। हैकरैंक के इस प्रॉब्लम का नाम है कॉम्बो मील। आइए इसको हम पढ़ते हैं। अ फास्ट फूड चेन मेन्यू इज सेलिंग अ बर्गर, अ कैन ऑफ सोडा एंड अ कॉम्बो मील कंटेनिंग अ बर्गर एंड अ कैन ऑफ सोडा एट प्राइसेस नोन टू यू। दे हैव चूजन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम बाई फर्स्ट डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द इंडिविजुअल आइटम and then adding a fixed value to it, representing their profit. Assume that the cost of making a regular burger is fixed and the cost of making a regular soda is fixed. For example, if the cost of making the regular burger is 206, the cost of making regular soda is 145, and the fixed profit is 69, then the fast food chain will be setting the prices as for the burger, it will be 206 plus 69 is equals to 275. For the can of soda, it will be 145 plus 69 is equals to 214. And for combo, it will be 206 plus 145 plus 69, that is equals to 420. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट रहेगा अगर आप कॉम्बो लीजिए चाहे आप इंडिविजुअल आइटम लीजिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गिवन द प्राइस ऑफ अ बर्गर given the price of a burger, a can of soda and a combo meal on the menu, your task is to compute the fixed profit. इसका मतलब क्या है कि आपको price, selling price burger का given होगा, selling price soda का given होगा, और selling price आपको combo meal का जब given होगा, तो आपको बताना है कि total profit कितना है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा example लेते हैं। जैसे let's say कि cost price of burger is B and the cost price of सोडा इज एस। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी बर्गर की, दैट विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस फिक्स प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस जो सोडा की होगी दैट विल बी एस प्लस बी। तो मान लीजिए कि मुझे ये गिवन है एज एक्स, ये गिवन है एज वाई, और मुझे ये भी गिवन है कि जो कॉम्बो है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। सो दैट विल बी बी प्लस एस प्लस बी। इट इज नोन टू अस कि हमें फिक्स प्रॉफिट ही ऐड करना है कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट में। मान लीजिए कि ये जेड है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स को वाई के साथ ऐड कर देते हैं एंड देन इसमें से जेड को माइनस कर देते हैं। तो ये देखते हैं किस समय क्या मिलेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इस तरह की अर्थमेटिक करते हैं, तो ये बी और ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एस और ये एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी और ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक पी बचेगा That will be profit. तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे मिल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ बर्गर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सोडा माइनस द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉम्बो, दिस इज गिविंग अस द प्रॉफिट। तो यही हमें अप्लाई करना है। तो आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है प्रॉफिट नाम का, जिसमें बी एस और सी गिवन है। बी का मतलब है जो बर्गर है उसका सेलिंग प्राइस, और सोडा उसका सेलिंग प्राइस, और सी का मतलब है कॉम्बो मील का सेलिंग प्राइस। सो वी हैव टू रिटर्न बी बी प्लस एस एंड माइनस सी। अभी अभी हम लोगों ने यही कंप्यूटेशन किया था और इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो आइए इसको हम सबमिट करके देखते हैं। सबसे पहले रन करके इसके देखते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पास हो गया है, अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। सो यू कैन सी कि सारे के सारे जो टेस्ट केसेस हमारे हैं वो ग्रीन कलर के हो गए हैं, इसका मतलब ये पास हो गए हैं। सो वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।